नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माइक्रोस्कोप. हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे. इसमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं अभी? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी इसे हिंदी में कहा जाता है. ऑब्वियसली इसकी मदद से हम लोग बहुत छोटे ऑब्जेक्ट, बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स को हम देखा करते हैं. बोलिए. इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस इन सीइंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. से बहुत सूक्ष्म आकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने में इसका उपयोग किया जाता है. अब इसको हम समझें उससे पहले हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है विजुअल एंगल, दृश्य कोण, विजुअल एंगल. देखो, कोई ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई दे रहा है या छोटा दिखाई दे रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर केवल डिपेंड नहीं करता कि उस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है. वही ऑब्जेक्ट है, मैं कोई टॉल सी बिल्डिंग देख रहा हूँ, बहुत बड़ी सी मुझे नज़र आ रही है, वो ऑब्वियसली टॉल बिल्डिंग है, मुझे बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन मैं उसे काफ़ी दूर से देखता हूँ, आसमान से, हवाई जहाज़ से देख रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से देख रहा हूँ, या फिर जैसे हम यहीं की बात करते हैं, हम टेकरी पर जाकर देखें तो हमको दिखेगा कि कोई भी बहुत टॉल सी बिल्डिंग हम देखेंगे तो वो क्या दिखेगी? हमको बहुत छोटी दिखाई देगी. साइज़ तो ऑब्जेक्ट का वही है, साइज़ तो ऑब्जेक्ट का वही है, लेकिन वो मुझे बड़ी या छोटी किस, वो जो दिखाई दे रही है तो वो किस लिए दिखाई दे रही है, तो वो एक्चुअली डिसाइड करता है कौन? उसका विजुअल एंगल. कोई भी ऑब्जेक्ट आँख पर जो एंगल बनाता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट ने नेत्र लेंस पर, आई लेंस पर, ये आई लेंस है, इस ऑब्जेक्ट ने आई लेंस पर जितना एंगल बनाया, व्हाट एंगल इट सबटेंड्स एट आई लेंस, इस एंगल को ही हम क्या कहा करते हैं? विजुअल एंगल, दृश्य कोण. एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट माय आई लेंस. कोई भी वस्तु मेरी आंख पर, मेरे नेत्र पर कितना कोण बना रही है उसे हम बोला करते हैं दृश्य कोण, विजुअल एंगल. और कोई ऑब्जेक्ट मुझे अगर बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब विजुअल एंगल उसका ज़्यादा बन रहा है, और ऑब्जेक्ट मुझे अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो उसका विजुअल एंगल कम बन रहा है. और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो इसका साधारण सा अर्थ ये है कि मुझे उस ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा. तो वाट एवर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, वेदर वी टॉक अबाउट माइक्रोस्कोप, वेदर वी टॉक अबाउट टेलीस्कोप, अल्टीमेटली देयर बेसिक इंटेंशन, देयर बेसिक गोल, देयर बेसिक रोल, देयर बेसिक पर्पज इज टू एनहांस अप द विजुअल एंगल. इनका मुख्य कारण, उनका मुख्य काम क्या है? दृश्य कोण को, विजुअल एंगल को क्या करना पांडे? एनहांस करना, बढ़ाना. बोलिए. इनका काम क्या होगा विजुअल एंगल को क्या करने का? बढ़ाने का. अंडरस्टूड? एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट आई लेंस. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेत्र लेंस पर एंगल है, तो अभी हम बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर. ऑफ ए माइक्रोस्कोप किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? पहली बात तो विजुअल एंगल समझ लिया आपने क्या है. कोई भी ऑब्जेक्ट नेत्र लेंस पर जो एंगल बना रहा है, वो जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते होते हैं विजुअल एंगल, दृश्य कोण. और माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, उनका बेसिक पर्पज़ क्या है? विजुअल एंगल को बढ़ाना. उनका बेसिक पर्पज़ क्या है? विजुअल एंगल को बढ़ाना. बोलो. तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगी? विजुअल एंगल ऑफ इमेज एट आई लेंस. इमेज ने आई लेंस पर, नेत्र लेंस पर इमेज जो बनी, माइक्रोस्कोप ने जो भी इमेज बनाई, उस इमेज ने आई लेंस पर जो एंगल बनाया, वो जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवाइड करेंगे हम किसे? विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट आई लेंस. When
ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और क्लियर विजन यू से. न्यूमरेटर में तुमको किसका विजुअल एंगल लेना है? इमेज का. न्यूमरेटर में तुम्हें किसका विजुअल एंगल लेना है? इमेज का. और डिनोमिनेटर में किसका लेना है? ऑब्जेक्ट का. न्यूमरेटर में मुझे विजुअल एंगल लेना है इमेज का, डिनोमिनेटर में विजुअल एंगल लेना है मुझे ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो तब लेना है जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर रखा हो. जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? लीस्ट डिस्टेंस पर. उस समय के एंगल को आपने अल्फा बोलना है. ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ नहीं होना चाहिए कृष्णम, ऑब्जेक्ट प्रिसाइसली कहाँ होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस पर. ऑब्जेक्ट अगर क्लियर विजन की लीस्ट डिस्टेंस पर रखा है, उस समय ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है उस एंगल को हम लोग क्या कहा करते हैं? अल्फा. ठीक है, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर रखा हो तब जो एंगल बनाया गया उसे अल्फा नाम देना है. और इमेज ने जो एंगल बनाया है उस एंगल को कार्तिक हम क्या नाम देते होते हैं? बीटा. इमेज ने जो एंगल बनाया दैट वी कॉल एज बीटा. एंड व्हाट एंगल इज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई लेंस उसे हम क्या बोला करते हैं? डन. तो ये क्लियर बेटा, किस तरीके से हमने ये मैग्नीफाइंग पावर किसकी है? माइक्रोस्कोप की. ठीक है, अब अलग अलग किस्म के माइक्रोस्कोप हमको पढ़ने होंगे. और इसमें पहला माइक्रोस्कोप हमारे पास में कौन सा है? सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी. तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस और कुछ भी नहीं, नथिंग. सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस. हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते होते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है. आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास एनलार्जिंग ग्लास यूज़ करते हो वही सिंपल माइक्रोस्कोप है. ठीक है, उसे हम हमारी देसी भाषा में बोला करते थे बिल्लोरी कांच. हम लोग बिल्लोरी कांच बोलते थे, अदरवाइज बाकी सब क्या बोलते हैं आई डोंट नॉट नो. उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ ये मैग्नीफाइंग पावर है. डोंट गेट कन्फ्यूज इट विथ लीनियर मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट. लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. वहाँ इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशो लेते हो. देयर यू टेक रेशो ऑफ लेंथ. आप लेंथ का रेशो लेते हो, यहाँ लेंथ का रेशो नहीं ले रहे, यहाँ पर किसका रेशो ले रहे हो? एंगल्स का. सो देयर इज अ डिफरेंस, डोंट गेट कन्फ्यूज. एज सच दे बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय एम. लीनियर मैग्नीफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम. वो भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है, बट देयर इज अ डिफरेंस दैट वॉज द रेशो ऑफ लेंथ एंड इट इज द रेशो ऑफ एंगल्स. ठीक है, वापस से मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक पर. सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस. चैप्टर क्लोज. मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे हम बोलते होते हैं. और ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को, अगर तुमने क्या कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट को लेंस की लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा. When you keep an object between its optical center and focus, ये तुम्हारे पास में, यहाँ तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ये लीजिए सर, ये तुमने ऑब्जेक्ट लिखा, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी. जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी. अरे कहिए. और जो क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल गई, वो रेफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से. तो ये दोनों मिलनी नहीं है क्योंकि दोनों डाइवर्ज होती जा रही है. तो इसको मैं अगर पीछे लेके आता हूँ, दिस इज कमिंग बैकवर्ड, और ये क्या आ रही है, ये मिलनी तो है नहीं कभी, पर मिलती हुई क्या होनी है? अपेयर होनी है. तो ये लीजिए सर, ए डैश बी डैश. हम जानते हैं जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है, व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन इट मेक्स इट्स एनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस इटसेल्फ. जब भी कभी किसी वस्तु को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच रखा जाता है तो वो लेंस उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज
इरेक्ट इमेज लेंस के ही क्या कर देता है, सामने बना देता है। कैसी बना देता है अभी, लेंस के सामने उसकी इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज बना देता है। बोलो, तो ये इमेज बन गई। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया मुझे? और ये रहा मेरा आई लेंस, यहाँ मेरी आँख है, ये लीजिए। अब वो जो इमेज है, उस इमेज ने जितना एंगल बनाया आई लेंस पर, उस इमेज ने जितना एंगल बनाया आई लेंस पर, उस एंगल को हम काय से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बीटा से। बोलो, रिप्रेजेंट करते हैं भैया उसको, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर रखा होता है उसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं यू, और इमेज जितनी डिस्टेंस पर बनती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोला करते हैं, वी। सो यदि मैं यहाँ पर यह ट्राइंगल लेता हूँ, गौर करिएगा, ये रहा ए डैश बी डैश, ये ए, ये बी, ये ओ, और यहाँ ये जो एंगल बना है, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया, बीटा। तो यदि आप यहाँ पर गौर फरमाएं तो आप पाएंगे इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, इस इमेज ने वहाँ जो एंगल बनाया, इस इमेज ने वहाँ जो एंगल बनाया उसे हम क्या बोला करते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है या नहीं, बोलिए भाई। इमेज ने जो एंगल बनाया उस एंगल को हम लोग लिखा करते हैं बीटा, ये इमेज ने जो एंगल बनाया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर तुम गौर फरमाओ तो टेन बीटा की वैल्यू को अगर मैं ए बी अपॉन ओ बी लिख दूँ तो नाराज़ तो नहीं हो जाओगे, चेक करो। हाँ तो करो मत जब तक देखो नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना देखे हाँ कर देते हैं, और आपको लगता है कि सर गधे खड़े हैं, सर को नज़र नहीं आ रहा, समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, है ना भैया। सो बाय टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश बोलूँ या ए बी अपॉन ओ बी बोलूँ तो कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। अरे बोलिए, तो ए बी अपॉन ओ बी हो गया। अब यहाँ हम जो लेंस लेते हैं वो घिसी पिटी सी बात जो बार बार हमको दोहराने को मिलेगी कि हम जो लेंस लेते होते हैं उसका अपर्चर कैसा रखते होते हैं, छोटा रखते होते हैं। बट एज अपर्चर ऑफ लेंस चूंकि लेंस का अपर्चर, लेंस का जो द्वारक है, ये जो अपर्चर होता है दिस इज वेरी स्मॉल, चूंकि लेंस का अपर्चर कैसा है इसीलिए एंगल बीटा जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। चूंकि लेंस का अपर्चर बहुत छोटा है देयरफॉर हम बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी बनेगी, ये बहुत छोटा सा एंगल बनेगा तो बीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो बनेगी, और बीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो बनेगी तो इसीलिए हम अगर टेन बीटा को अप्रॉक्सीमेटली बीटा लिख दें तो कोई नाराज़गी वाली बात तो नहीं है, हो तो बोल दो कि है सर। आपको बता चुका हूँ बहुत बार कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा को या साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं। इफ़ एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन टेन थीटा एंड साइन थीटा आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो टेन बीटा को मैंने लिखा बीटा, और बीटा टेन बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ओ बी थी, तो ये हमारे पास में आ गया। बोलिए, क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई सभी को कि नहीं आई। हम जो फार्मूला यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं उसको मैं डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ, उसको मैं डिराइव भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया सर, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसी तरीके से मैं यहाँ देखिएगा, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या बोला करते हैं, अल्फ़ा। ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया आई लेंस पर उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ने आई लेंस पर जो एंगल बनाया उसे हम बोला करते हैं अल्फ़ा। लेकिन चाहे जब नहीं ऑब्जेक्ट भाई, इमेज ने जो एंगल बनाया वो चाहे जब बनाया तब का एंगल बीटा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जब एंगल लिखा जा रहा है
तो ये केवल तब लिखा जा रहा है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, लीस्ट डिस्टेंस पर। और लीस्ट डिस्टेंस जो होती है ना उसे हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैपिटल डी से, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। अरे होती है भैया, कल इस बारे में हमने चर्चा करी थी कि ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है, 25, जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हो सकती है और मोस्टली होती भी है। एनीवेज, सो ये जो अल्फ़ा है वो ऑब्जेक्ट ने जो आई लेंस पर एंगल बनाया उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा। लेकिन चाहे जब का एंगल नहीं बोला जाता है, ये कब का बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस पर रखा हो तब बोलो। तो यहाँ इस एंगल में देखो तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसे अल्फ़ा नहीं बोलते, वरना तो तुम देखो ऑब्जेक्ट ने भी वही एंगल बनाया जो इमेज ने बनाया। इस डायग्राम को देख सकते हो तुम, ऑब्जेक्ट ने भी प्रिसाइसली वही एंगल बनाया जो इमेज ने बनाया। बात ये नहीं कि ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसको बोलना अल्फ़ा, ऑब्जेक्ट को आपको एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर, यह माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट था, इसे 25 सेंटीमीटर पर ले जाके रखा, अब ये जो एंगल बना रहा है उसे मैं अल्फ़ा बोलूँगा। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो जो एंगल बना रहा है उसे अल्फ़ा नहीं बोलना, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ जो एंगल बना रहा है उसे अल्फ़ा नहीं बोलना। अल्फ़ा कब बोलना है, 25 सेंटीमीटर पर रखा है, अब ये ऑब्जेक्ट मेरी आई लेंस पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल मैं क्या कहूँगा, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए बी अपॉन डी। डी क्या है यहाँ पर, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट क्या करेंगे, जो कि हमको मालूम है 25 सेंटीमीटर हम लिखा करते हैं से। ठीक है, बनाइए, हो गया। फिर वही बात आएगी, चूंकि लेंस का अपर्चर बहुत छोटा है, दस वी कैन से कि जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू खासी कम होगी, और उसकी वैल्यू खासी कम होने के कारण आई कैन से कि टेन अल्फ़ा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, और वो क्या होगा, ए बी अपॉन डी होगा। अब तुम्हारे पास में दो इक्वेशंस हैं, उन दो इक्वेशंस का मैं यूज़ करूँगा। हमें मालूम है एम मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है, बीटा होता है विजुअल एंगल मेड बाय इमेज और अल्फ़ा होता है विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, तब जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर रखी हो। बोलो, तो बीटा की वैल्यू कितनी, ए बी अपॉन ओ बी, और ये कितना दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, ए बी अपॉन डी। ए बी से ए बी कैंसल तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी डी अपॉन ओ बी। ठीक है, और अगर मैं साइन कन्वेंशन का यूज करूं यूजिंग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिभाषा का उपयोग अगर मैं करूं तो m इज इक्वल टू कितना होगा, d को क्या लिखोगे, माइनस d क्योंकि वो सामने है, और लिखोगे या नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, और OB जो है, ध्यान दो OB क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला OB नहीं लेना, ये वाला लेना आपने को, क्योंकि जो OB यहाँ पर आया था वो किसके टाइम पर आया था, इमेज के टाइम पर आया था कि ऑब्जेक्ट के टाइम पर आया था, इमेज के टाइम पर कि ऑब्जेक्ट के टाइम पर, ऑब्जेक्ट के टाइम पर तो वो उस OB की वैल्यू फिक्स थी, कितनी, ऑब्जेक्ट के टाइम पर तो आप उस OB की वैल्यू फिक्स थी, कितनी थी, डी थी, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट, यहाँ तो बीटा लिखना, तो यहाँ अपने को नहीं देखना कि इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, अपने को तो प्रिसाइसली उस समय देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है,
सुनाई नहीं दिया मुझको, समझ गए? तो साइन कन्वेंशन का यूज करूं तो डी सामने इसलिए माइनस, और ओ बी सामने है, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, डी बाई यू। डी लीज डिस्टेंस है क्लियर विजन की, हाँ जी, डी यहाँ पर जो है वो क्लियर विजन की लीज डिस्टेंस है, और यू किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की, बोलो ना, करो। ये हमने जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला डिराइव किया, दैट वी हैव डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ डी एंड यू, दिस फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर वी हैव डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ, बट नाउ हम इसको डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ डी एंड वी। वी क्या, इमेज के डिस्टेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इन टर्म्स ऑफ डी एंड यू, डी एंड वी। तो देखो, मैं लेंस इक्वेशन लगाता हूँ। लेंस इक्वेशन क्या है, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ। अब इमेज चूंकि सामने बन रही है, इमेज चूंकि सामने बन रही है इसलिए माइनस लिखा, ऑब्जेक्ट चूंकि सामने रखा है इसलिए माइनस लिखा, और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ प्लस लिखी। मैं साइन कन्वेंशन सही कर रहा हूँ यहाँ पे काम। चूंकि इमेज सामने बन रही है इसलिए माइनस, ऑब्जेक्ट चूंकि सामने है इसलिए माइनस, और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस का वन बाय वी उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो वन बाय यू टू वन बाय एफ प्लस वन बाय वी हो जाएगा, हाँ जी। इससे आप सॉल्व करिए तो वन बाय यू इज इक्वल टू कितना आएगा, वी प्लस एफ अपॉन क्या, वी एफ। ये वन बाय यू की वैल्यू आई, सो वन बाय यू की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। व्हेन आई प्लेस दिस वैल्यू ऑफ वन बाय यू हियर, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, d अपॉन यू, और अपॉन यू की वैल्यू कितनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, इट वॉज फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ d एंड u, बट हियर इट इज फार्मूला इन टर्म्स ऑफ d एंड, नोट इट डाउन। अब इसके मैं स्पेशल केसेस निकालूंगा। आई रिपीट, दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ डी एंड यू रोहन, एंड दैट इज द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डी एंड, ठीक। अब इसके मैं लेने जा रहा हूँ स्पेशल केसेस। पहला, when image is formed at least distance of clear vision, अगर image कहाँ बन रही हो, इमेज कहाँ बन रही हो, लीज डिस्टेंस पर, हमारी जो आँख की जो देखने की जो न्यूनतम दूरी है जिसे हम नियर पॉइंट बोलते हैं, अगर इमेज लीज डिस्टेंस पर बन रही हो, अगर इमेज लीज डिस्टेंस पर बन रही है, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा मतलब हुआ वी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी के बराबर होगी। भाई वी यहाँ पर किसकी डिस्टेंस है, इमेज की है ना, वी किसकी डिस्टेंस है। अब अगर इमेज लीज डिस्टेंस पर ही बन रही है तो v की वैल्यू d, अगर इमेज दिस डिस्टेंस पर ही बन रही है तो v की वैल्यू कितनी, और v की वैल्यू d पुट करोगे तो m की वैल्यू क्या होगी, d इंटू क्या, v प्लस f अपॉन क्या, वी एफ। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बोलो। तो m की वैल्यू जो होगी वो आएगी d प्लस f होल अपॉन f, इससे सेपरेट कर दो तो d अपॉन f प्लस क्या, इस बेसिस पर m की वैल्यू कितनी आ गई,
वन प्लस डी बाय एफ, तो ये इसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी कब, जब इमेज कहाँ बनाई जा रही हो, लीस्ट डिस्टेंस पर। बोलो, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है और ये कब आएगी, जब इमेज कहाँ बनाई जा रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पर। कहो ठीक है, बोलिए। दूसरा केस, वन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, और इमेज अगर इन्फिनिटी पर बन रही है, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो ये तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो। सुनाई नहीं दिया मुझको, इमेज इन्फिनिटी पर तब बनती है भैया संयम, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, डी अपॉन यू, और यू की वैल्यू किसके बराबर है, एफ के। डी अपॉन यू है ना मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, तो ये क्या आ जाएगी, तो ये उसकी कौन सी मैग्नीफाइंग पावर आई, मिनिमम, और वो कौन सी मैग्नीफाइंग पावर होगी उसकी, मैक्सिमम। बोलो कर, तो ये उसके स्पेशल केसेस है। इमेज जो है अगर कहाँ रखा हो, इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है तो v की वैल्यू d के बराबर, और अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। इमेज जो बनी, उस इमेज ने इस आई लेंस पर जो एंगल बनाया उसे हम बोलते हैं बीटा। वो इमेज कहीं बन रही है, इमेज 50 सेंटीमीटर में बने, 75 पे बने, 100 पे बने, 2 पे बने, 3 पे बने, 4 मीटर पे बने, इनफाइनाइट पे बने, इमेज चाहे जहाँ बने, इमेज ने जो एंगल बनाया उसे हम बोलते हैं बीटा। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसे अल्फा नहीं बोलते। आपको ऑब्जेक्ट का एंगल तभी निकालना है जब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ नहीं रखना आपको। आपको जब ऑब्जेक्ट का एंगल निकालना है तो वो कौन सा निकालना है, जब लीस्ट डिस्टेंस पर रखा है तभी का एंगल निकालना है। समझ में आई बात, तो ये मत सोचो कि इमेज ने जो एंगल बनाया वही ऑब्जेक्ट ने बनाया। मैं तुम्हें बोला अभी थोड़ी देर पहले, इमेज का तो चाहे जब जहाँ इमेज बनी वहाँ का एंगल लेना है, जहाँ इमेज बनी वहाँ का एंगल लेना है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट का कौन सा एंगल लेना है, जब वो लीस्ट डिस्टेंस पर रखी गई हो, आपको उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पर ले जाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी को आपको अल्फा बोलना है। और इस पूरे फार्मूले के डेरिवेशन में हमने एक बात करी है कि हमने जो हमारी आई लेंस है ना उसको इस लेंस के से चिपका के रखा है। हमारी जो नेत्र लेंस है उस नेत्र लेंस को हमने क्या करा भाई कृष्णा, जो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का जो लेंस था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उससे क्या करा करते कि अपन इसको बिल्कुल सटा कर, बिल्कुल चिपका कर, बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रखा है। आई बात समझ में। अगर ऐसा ना हो, मान लो क्या हो, अगर ये आपका लेंस है और आई लेंस जो आपने था आपका उसको कुछ दूरी पर रख दिया आपने, कुछ ऐसा सपोज करो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ए है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला जो डी अपॉन यू आता था वो क्या आएगा, डी माइनस ए अपॉन यू। इन केस इफ आई लेंस इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ दी लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, अगर आई लेंस से मतलब कौन सा लेंस, मेरी आँख का लेंस, अगर वो क्या हो सुमित, क्या हो वो, अगर वो माइक्रोस्कोप के लेंस के साथ में चिपका हुआ ना हो, तो उस स्थिति में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला डी अपॉन यू नहीं, उस स्थिति में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या आएगा, सिंपल एक माइक्रोस्कोप है जो इन दो लेंसेस से मिलकर बना है, तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 100 अपॉन प्लस 20 यानी कितना। अब आपको क्या पूछी है,
मैग्नीफाइंग पावर। जब इमेज कहाँ बन रही है, लीज डिस्टेंस पर, लीज डिस्टेंस पर बनती है, तो इमेज मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, वन प्लस डी बाय एफ, बोलो होती है या नहीं, वन प्लस डी बाय एफ। 25 सेंटीमीटर पर बन रही है ना भैया, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, 6। और इमेज कहाँ बन रही है अगर उसके हिसाब से चलना है, तो तुम्हारे को फार्मूला है ना, एम इज इक्वल्स टू क्या, डी इंटू कितना, ये लो डी की वैल्यू 25, इमेज 25 पर बन रही है, फोकल लेंथ 5 है, बोलो अब भाई। एक लड़के का, एक बच्चे का जो नियर पॉइंट है वो इतना है, मतलब ये कैपिटल डी दे रखा है तुम्हारे को, बोलो ना, और फोकल लेंथ कितनी है, तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पूछा है तुम्हारे से, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या होता है, डी की वैल्यू 10 और एफ की वैल्यू भी 10, कहो जी। सॉरी, एक ऑब्जेक्ट को एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है जिसकी पावर कितनी है, पावर 10 डायोप्टर है, तो इससे फोकल लेंथ निकाल कर देखिए कितनी आ रही है, सुनाई कम पड़ता है मुझको, 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहाँ कब आएगा, आपसे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पूछा है, और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आता है 1 प्लस, जो कि किसके बराबर होगा, एक्चुअली डी बाय यू के बराबर होता है वो, कहाँ पूछा, कहाँ रखा, यही पूछा है ना तुमसे, तो यू आर देयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू। हाँ जी, डी की वैल्यू कितनी साहब, 25, एफ की वैल्यू इतनी, डी की वैल्यू 25, इससे यू निकाल लो, 2.5, 3.5, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आई करेक्ट, आपसे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सो वी आर देयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू। मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कब आता है, यहाँ एक बात और तुम समझ लो कि जो मैग्नीफाइंग पावर है उसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, तो जहाँ मैग्नीफाइंग पावर लिखा था आपने पहले उस पर, उसे लिख लीजिएगा वहाँ पर, एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी लिख सकते हो उसे, ठीक है, दिस वी कैन ऑल्सो कॉल अस समझ में आ गया ये, निमिषा अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, मतलब उसकी m की वैल्यू कितनी, 5, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई कंडीशन में, ये मैग्नीफाइंग पावर है उसकी, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड फार साइटेड आई हुज नियर पॉइंट इज, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है उसकी, कितनी है भैया उसकी, 5 है, और रिलैक्स्ड आई कंडीशन में, रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब होता है इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, रिलैक्स आई कंडीशन का मतलब क्या होता है, इमेज कहाँ बन रही है, सुनाई नहीं दिया मुझको, इन्फिनिटी पर, ये ध्यान दीजिएगा, जब इमेज इन्फिनिटी पर बने तो उसे हम रिलैक्स आई कंडीशन कहते हैं,
जब कभी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो उसे हम रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा। जी, तो यहां बोला है सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है ये, कब? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब लीज डिस्टेंस कितनी होगी 25, और रिलैक्स आई मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पर। तो उससे मैग्नीफाइंग पावर निकालो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है इन्फिनिटी पर जब बनती है, तो डी बाय एफ, एम की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू 25, इससे फोकल लेंथ फाइंड आउट करके देखिए तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ कितनी आ गई सर, उस लेंस की फोकल लेंथ इतनी आ गई। अब बोला है उसकी, अब पूछ रहे हैं कि क्या होगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर, कब? रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए ही, बशर्ते नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर की जगह कितना हो जाए 40 सेंटीमीटर। क्या कहा मैंने? उसी की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आपको, वही रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए, पर कब? जब इमेज कहाँ बन रही हो, रिलैक्स आई कंडीशन, मतलब इमेज अगेन तुम्हें इन्फिनिटी बनानी है, लेकिन इस बार कंडीशन ये है कि लीज डिस्टेंस 25 की बजाय क्या, तो नई मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, नई मैग्नीफाइंग पावर आएगी, नया डी, फोकल लेंथ तो उसकी फिक्स रहेगी, नया डी इतना है और फोकल लेंथ उसकी कितनी है, आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए, समझ गए? वो 5x लिखा मतलब मैग्नीफाइंग पावर उसकी पहले 5 थी। रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब क्या बताया मैंने यादव? इमेज कहाँ बन रही है संयम? इन्फिनिटी पर बन रही है, ठीक है? तो वो नॉर्मल रिलैक्स्ड आई का मतलब ये है कि लीज डिस्टेंस 25 लेके चलना है आपको, नॉर्मल बोला इसलिए लीज डिस्टेंस कितनी लेके चलना है 25, और रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इन्फिनिटी पर लेके चलना है। अब उसी की मैग्नीफाइंग पावर पूछी है आपसे नई बार रिलैक्स कंडीशन में, मतलब इमेज अगेन इन्फिनिटी बनानी है, पर इस बार लीज डिस्टेंस आपको 25 की बजाय 40 लेना है। बोलो, 12-13 के बाद मैंने कौन सा बोला था? हो गया 16? ई थोड़ी ना लेना है, हमें क्या लेना है? डी लेना है, वी इन्फिनिटी है, डी थोड़ी ना इन्फिनिटी है। हो गया ये वाला? एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर जब लीज डिस्टेंस पर बने, तो कुछ है ही नहीं इसमें करने लायक, क्या करूँगा मैं, फार्मूला लगाऊंगा और क्या? कहो, कर लिया? अभी हमने बात करी सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ी अच्छी चीज है, उसने एनलार्ज कर दिया, उसने इमेज को एनलार्ज कर दिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है साहब, उसने इमेज को एनलार्ज कर दिया, लेकिन उसमें एक तकलीफ है। क्या? उसने मैग्निफिकेशन तो किया, इमेज का साइज बढ़ाया, परंतु उसने क्या करा, एक लिमिट तक इमेज का साइज वो बढ़ा पाएगा। यू विल बी एबल टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल, वेरी माइक्रोस्कोपिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की इमेज को क्या कर सकोगे, बढ़ाओगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी मालूम है? एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बढ़ा पाओगे, अप टू सर्टन एक्सटेंट, अप टू सर्टन लिमिट यू कैन मैग्नीफाई द इमेज यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप which works on the principle that when an object is kept between its optical center and focus, then its enlarged erect image is formed in front of the lens itself. कहो, 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 समझ में आई बात? तो simple microscope ने image को magnify तो किया, परंतु एक certain limit के beyond वो magnify कर पाया क्या? एक certain limit के beyond वो magnify कर पाया क्या? नहीं कर पाया।
कुछ हद तक मैग्नीफाई कर देगा, 5 गुना 10 गुना 15 गुना बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन शायद हमारा उससे भी काम नहीं हो पा रहा। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करने जा रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सुनिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, नाम से मालूम पड़ता है इस माइक्रोस्कोप में वी आर गोइंग टू यूज़ मोर देन वन लेंस। हम एक से ज़्यादा लेंस यूज़ करने वाले हैं। हम क्या यूज़ करने वाले हैं? एक से ज़्यादा लेंस, ठीक है। इसमें हमने एक लेंस ये लिया, एक लेंस मैंने ये लिया और एक लेंस मैंने जो है एक लेंस मैंने ये लिया। ध्यान दीजिए भैया, समझिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का बार बार मैंने आपको बताया कि इसमें एक लिमिटेशन है कि वो इमेज को मैग्नीफाई करता है पर एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड वो मैग्नीफाई नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है? आपको और ज़्यादा मैग्नीफाई करवाना है, तो यू आर यूजिंग मोर देन वन लेंस। नाउ आप एक से ज़्यादा लेंस का उपयोग करोगे, एक से अधिक लेंस यूज़ करोगे आप। यहाँ आपने दो लेंस यूज़ करे, एक ये और एक ये, या आप दो लेंस यूज़ करोगे। एक लेंस वो है जिसको आप ऑब्जेक्ट के पास रखोगे। किसके पास रखोगे? ऑब्जेक्ट के पास। हेयर यू हैव कैप्ट, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, एक लेंस आपने कौन सा लिया यहाँ पर, ये एक जो लेंस आँख के पास ऑब्जेक्ट के पास है उसे आपने नाम दिया ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उस लेंस को आप क्या नाम दोगे? ऑब्जेक्टिव। और जो आँख के पास होगा उसे आप नाम दोगे आईपीस। जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे आप नाम दोगे ऑब्जेक्टिव, और जो आँख के पास होगा, यहाँ हमारी आई है, आई के पास है, उसे हमने नाम दिया आईपीस नेत्रिका। बोलो समझ में आया? जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है उसे आपने नाम दिया ऑब्जेक्टिव, और जो आँख के पास है उसे आपने क्या नाम दिया? आईपीस। बोलो, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसे आपने नाम दिया ऑब्जेक्टिव, और जो आँख के पास है उसे क्या नाम दिया? आईपीस, ठीक है। बोलिए, और यहाँ हमने क्या फंडा करा कि यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो इसके फोकस के बियॉन्ड रखा है, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बियॉन्ड रखा है। और आपको मालूम है जब कभी ऑब्जेक्ट को आप फोकस के बियॉन्ड रखते हो तो वो उसकी इमेज लेंस के पीछे बनाता है। अब अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फोकस और 2F के बीच रख दूँ, इसके F और 2F के बीच रख दूँ, तो वो क्या करेगा? उसकी रियल इमेज कहाँ बना देगा? लेंस के पीछे, और उससे बड़ी इमेज बनाएगा। बोलिए, जब आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इसके F और 2F के बीच, तो वो उसकी इमेज जो बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? 2F से भी दूर बनाएगा। ये फोकस, ये 2F, तो इसने क्या करा, उसकी इमेज कहाँ बना दी? बोलो, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? Have you understood this? Yes. आपने ऑब्जेक्ट को इस लेंस के F और 2F के बीच रखा, तो ये लेंस क्या करेगा, उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनाएगा? लेंस के पीछे, 2F और इन्फिनिटी के बीच। बोलो, बनाएगा कि नहीं? ये कौन है? ऑब्जेक्ट, जो इस लेंस से कितनी दूरी पर रखा है। ऑब्जेक्ट की लेंस से जो दूरी होती है उसको क्या बोलते होते हैं हम लोग? U। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम U बोलेंगे, और प्रिसाइजली U नॉट बोलेंगे, क्योंकि दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस?
द लेंस विच इज क्लोज टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के निकट है, क्या कह रहा हूं मनमोल, जो जो ऑब्जेक्ट के निकट है उस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और ये जो ए बी है दैट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स वाली बात है नहीं, तो रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। हाँ, और ए बी जो था वो ऑब्जेक्ट था, इसके लिए इससे जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, यू नॉट, समझ में आई बात। और इमेज जो बनी, ये जो बनी इमेज ए डैश बी डैश, ये क्या है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज, बोलो कुछ समझ में आया। अब ये जो इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये इमेज आईपीस के लिए, आईपीस जो आंख के पास है उसके लिए किसके तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सर, बोलो करेगी या नहीं। दैट इमेज ए डैश बी डैश विल वॉक लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, एम आई करेक्ट। तो ये जो इमेज बनी वो कुछ ऐसा बनी कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये उसका फोकस है, बोलो। दैट इमेज ए डैश बी डैश, वो इमेज किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, वो इमेज इसके लिए किसकी तरह काम कर रही है। तो भैया आपको मालूम है जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच रखते हो तो वो उसकी एनलार्ज वर्चुअल इमेज लेंस के सामने ही बनाता है, क्या बनाता है, लेंस के। तो यहाँ जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, और जो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। अब ये दोनों तो मिलना नहीं है साहब, कोई संभावना नहीं है कि कभी मिलेंगी, मिलेंगे नहीं तो क्या हो गया, मिलेंगे नहीं तो क्या हो गया, मिलती हुई अपेयर तो होंगी, हाँ जी। और कहाँ मिल, जहाँ मिलेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये बन गई ए डबल डैश, और तो फाइनल इमेज ये बनी, बोलो कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, हाँ जी। इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप देर वाज अ लिमिटेशन की इमेज मैग्नीफाई तो हो रही है सर, पर बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, 5 गुने 10 गुने 15 गुने शायद बन जाती है, ज्यादा नहीं, और मुझे उससे कहीं ज्यादा बड़ी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, और उसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो दो लेंस, व्हाट वी कॉल इज दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें हमने ऑब्जेक्ट, इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक वो जो ऑब्जेक्ट के निकट है जिसे ऑब्जेक्टिव नाम दिया, एक वो जो आंख के निकट है उसे हमने आईपीस नाम दिया। जब कभी लेंस को, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और टू एफ के बीच रखते हैं तो वो उसके एनलार्ज इमेज लेंस के पीछे बना देता है, बना दिया, ये ऑब्जेक्ट था तो इसलिए यू नॉट, ये इमेज थी तो ये वी नॉट। अब वो जो इमेज बनी वो इसके लिए किसकी तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, यू ही, बोलो ये यू ही कहलाएगी, क्योंकि ए डैश बी डैश इज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो अब अगर वो इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच बनी तो वो उसकी बड़ी इमेज बनाएगा कि लेंस के सामने, अरे बनाएगा कि नहीं। तो ये जो इमेज बनी वो कितने डिस्टेंस में बन जाएगी, तो फाइनली इस तरीके से इमेज कौन सी बन गई, ए डबल डैश बी डबल, अंडरस्टूड, बोलते जाओ, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है ना, वो मायने नहीं रखता है।
आई रिपीट, फिर से बता रहा हूँ मैं, दो लेंस हैं एक ऑब्जेक्ट के पास, उसे नाम दिया ऑब्जेक्टिव, और एक आँख के पास, उसे नाम दिया आईपीस। एक चीज़ तुम देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव का साइज़ छोटा है और आईपीस का साइज़ बड़ा है। ये बाई चांस नहीं है, ये इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि ऐसा ही होता है। ठीक है, अरे बोलिए। जो लाइट ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल गई वो सीधी निकल गई, और जो पैरल गई वो फोकस से निकल गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी चली गई। इसने इमेज बनाई यहाँ पर। ये इमेज, इन दोनों लेंसेज को हम इस तरह से कॉन्फिगर करते हैं कि एक लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और वो ऐसे बनी है कि वो इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच बनी है, तो वो उसके अंदाज इमेज लेंस के सामने बना देगा। बोलिए। अब यहाँ चार पांच लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो इमेज इसके फोकस से पहले बन रही है, तो इसके फोकस के पहले बनेगी कि इसके बाद बनेगी? मसला ये है कि ये जो इमेज बनेगी ये डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस में बनेगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये तयशुदा बात है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम होगी, इमेज की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, बशर्ते ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच हो। क्या कह रहा हूँ मैं? ये कन्फर्म है कि इमेज की डिस्टेंस ज़्यादा होगी आर्यन, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इमेज जो बनी वो फोकस के पहले बनेगी कि फोकस के बाद बनेगी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, मैं यहाँ आपको अलग से समझाए देता हूँ, जरा फटाफट से समझ लीजिएगा। ये आपके पास में लेंस है, ये आपके पास में लेंस है, ठीक है, ये रहा उसका ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा फोकस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा फोकस। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इसके पास, ऐसा। ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इन दोनों के बीच में। अरे कहिए, तो एक बात तो डंके की चोट पर मैं बोल सकता हूँ कि इमेज सामने ही बननी है, इरेक्ट बननी है, लार्ज बननी है। बोलो, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों सिचुएशन बन सकती है, इमेज हो सकता है फोकस के पहले बन जाए, हो सकता है इमेज फोकस के बाद बन जाए। दोनों बातें संभव हैं, ये दोनों बातें पॉसिबल हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि वो फोकस के पहले बनेगी कि फोकस के बाद बनेगी। आइदर ऑफ दिस टू कैन हैपन। क्या कहा मैंने, समझ में आई बात? वन थिंग, एक बात बिल्कुल पक्के, भगवत गीता में लिखी हुई है भैया कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये बात कन्फर्म है। पर यह नहीं कि फोकस के पहले नहीं बन सकती, फोकस के बाद नहीं बन सकती। तुम ऑब्जेक्ट को जितना पास रखोगे, ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखोगे तो इमेज फोकस के पहले बन जाएगी, लेकिन एक देर दूरी के बाद इमेज कहाँ बनने लग जाएगी? फोकस के उधर कूद जाएगी इमेज। बोलो, आ रही बात समझ में? तो इससे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि सर इमेज फोकस के पहले बनानी है कि बाद में बनानी है। इमेज को ऑब्जेक्ट के बाद बनाना है तनिष्क, इमेज को ऑब्जेक्ट के पास बाद बनाना है, लेकिन फोकस के पहले बनाना है बाद में बनाना है, दैट इज इररिलेवेंट। से समझ में आ गई बात? ये तो यहाँ तक की पूरी पिक्चर क्लियर है? बोलो। चलो इसको भी बना लो, याद रहेगा। अब हमें बीटा और अल्फा की गणना करनी है भैया। वी आर हेयर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये इमेज है, और इमेज ने जो एंगल बनाया उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा।
यदि मैं ट्राइंगल देखूँ ए डबल डैश बी डबल डैश ई, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई बी डबल डैश लिख सकता हूँ। सुनाई कम पड़ता है मेरे को भैया? पूरे दिमाग के साथ बैठना है यहाँ पर, ठीक है? जिस समय मैं समझा रहा हूँ उस समय सिर्फ समझने पर ध्यान देना बेहतर होगा। मैं आपको देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ? आप अपने आप को देख रहे हो। टेन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। टेन बीटा ये आ गया, हमारी करेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक तो ये बात हुई। अब मैं यहाँ एक और ट्राइंगल देखने जा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। यहाँ इसमें ये ए बी है, गौर करना आपके सामने डायग्राम, ये ओ है, ये ए डैश बी डैश, ठीक है? अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या पा रहे हैं? ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन से दो ट्राइंगल्स? ए बी ओ सिमिलर है। सिमिलर के लिए क्या साइन लगाते हैं? नहीं आता भैया मेरे को, ठीक है? हाँ, आप चाहो तो हंस सकते हो मेरे को, मेरे पर के सारा आई का पढ़ा रहे सर को नहीं आता, बट मैं तैयार हूँ अपने पर हंसी उड़वाने के लिए। ये हमारे पास है भैया ट्राइंगल ए बी ओ, किसके सिमिलर है? हाँ, क्योंकि तुम मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखोगे तो मैंने शायद ये वाला नहीं बनाया, मैंने वो दो वाला साइन बनाया, तो मेरे को नहीं आता, सीरियसली नहीं आता मेरे को, ठीक है? क्या बोल रहे? मेरे को आता है नहीं, मैंने तब यही वाला दो दो साइन बनाए थे, दो वाला, दो इक्वल वाला, तब ये जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं ना, वो वाला, ठीक है? मैंने वो वाला बनाया तो मुझको नहीं आता था। जैसे तुम देख रहे हो बहुत सारी स्पेलिंग तुम लोग रेक्टिफाई करते हो, ऐसे तुमसे पहले भी कई लोगों ने रेक्टिफाई करी है। चलो भाई, अल्कोहल की स्पेलिंग में बहुत साल तक गलत लिखता रहा, ए एल सी ओ एच ए एल एस लिखता था मैं बहुत साल तक, फिर एक और अल्कोहल वाला मिला मेरे को सिंधी भाई, उसने मेरी स्पेलिंग ठीक कराई। चलो, कि बोले आप सर पी ओ भी सही और साथ में स्पेलिंग भी ठीक करो, है? कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज क्वाइट इम्पोर्टेंट दैन वाट वी आर राइटिंग, है ना भैया? चलो, तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो ट्राइंगल ए बी ओ जो है भैया वो किसके सिमिलर है? ये है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशो, दोनों के बेस बेस के रेशो के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास में क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या? ओ बी डैश अपॉन क्या? ओ बी। बोलिए भाई, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका बेस ये, इसका बेस ये है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो ये जो ए डैश बी डैश की वैल्यू आई वो क्या आएगी? ए बी इंटू क्या? एम आई करेक्ट? अब ये जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश आई एम गोइंग टू फीड हेयर, मैं इसे यहाँ फीड करता हूँ। जब मैं इसे यहाँ फीड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? टेन बीटा इज इक्वल्स टू कितना? वन अपॉन ई बी डैश, अपनी जगह पर है कॉपी पेस्ट। और रही बात ए डैश बी डैश की, तो ए डैश बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। और इससे टेन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ए बी इंटू ओ बी डैश अपॉन क्या? ई बी डैश इंटू ओ बी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बोलो भाई, आपने ए डैश बी डैश की वैल्यू दैट यू हैव फाउंड इन टर्म्स ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश की वैल्यू आपने ओ बी की टर्म्स में निकाली, वो यहाँ रख दी, तो क्या है? वन अपॉन ई बी डैश था, और बाद में क्या ए डैश बी डैश की जगह मैंने ये लिख दिया जो ब्रैकेट में लिखा है, उसको रीअरेंज करके लिख दिया। बोलो, फिर वही घिसी पिटी सी बात करूँगा, कौन सी?
कौन सी किसी पुटी से बात करूंगा, बट इफ अपर्चर ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल, अपर्चर ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल, अगर लेंस का अपर्चर क्या हो, बहुत छोटा हो, कहिए, तो 10 बीटा को इज इक्वल टू क्या, बीटा होगा, इसे कौन सी इक्वेशन नाम देंगे हम, इसे हमने समीकरण नंबर एक नाम दे दिया भाई, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई लेंस इज नोन एज विजुअल एंगल बाय आई लेंस, जो इमेज ने जो बनाया, दैट वी डिनोट, दैट वी रिप्रेजेंट, दैट वी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम, बीटा से, ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सा एंगल आ गया, बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आई, अंडरस्टूड, डन, ये इमेज ने जो एंगल बनाया वो था, ये ऑब्जेक्ट है, ये आई लेंस है, और ऑब्जेक्ट आई लेंस से जब कैपिटल डी डिस्टेंस पर रखा है उस समय ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसे आप क्या बोलते होते हो, अल्फा बोलते होते हो, चाहे जिस समय के एंगल को अल्फा नहीं कहा जाता, शायद ही उस समय को कहा जाता है जब ऑब्जेक्ट, बोलो, फिर वही किसी ब्रिटिश सी बात होगी, बट अपर्चर ऑफ लेंस इज वेरी, इससे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम दिया, बोलो, अब हमारे पास में आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी, बीटा अभी तुमने निकाला, ए बी इंटू कितना, ओ बी डैश अपॉन क्या, ई बी डैश इंटू कितना, ये बीटा की वैल्यू है, और अल्फा क्या है, गौर करो तुम, तो यहाँ ए बी से ए बी क्या हो रहा है, ए बी से ए बी क्या हो रहा है, यह सारी मगजमारी मैंने करी इसीलिए थी, एस सच तो बीटा की वैल्यू आ चुकी थी, ये बीटा की वैल्यू आ गई थी यहाँ से, ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश आ गई थी यहाँ पर, बीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका था ऑलरेडी, पर मैंने बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश के टर्म्स में नहीं, मैंने बीटा की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली, ए बी के टर्म्स में, क्यों निकाली, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं अल्फ़ा निकालने जाऊँगा तो वो ए बी के टर्म्स में निकालूंगा, लोग ना डेरिवेशन को रट्टा मारते हैं, बोर्ड में आते हैं, सी बी एस ई में आते हैं, स्टेट बोर्ड में ज़्यादा आते हैं और भी, ठीक है, तो डेरिवेशन का लोग क्या समझते हैं, डेरिवेशन मतलब राय याद करो, जो फार्मूलों की व्युत्पत्ति है, हाउ टू डिराइव द फार्मूला, पीपल एक्चुअली यूज टू कंसीडर दैट दे आर समथिंग विच आर टू बी मग्ड अप ऑलरेडी, इनकी मगिंग करनी है आपको, रट्टा मारो बस, चाय में घोट के पी जाओ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑफकोर्स सम स्टेप्स आर देयर जिनकी मगिंग करना पड़ेगी, बट बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं कि हम समझ के चले, भाई मेरे पास में ये हो गया था, अब यहाँ तक मैं आके रुक जाता और फिर अल्फा की वैल्यू निकालता, जब अल्फा के निकालो निकालता तो वो ये आता, अब जब मैं इसका इसका और इसका रेशो लाता तो दिक्कत क्या आ जाती कि फिर वो ए डैश बी डैश और ए बी आपस में कैंसल, तो फिर मेरा दिमाग की बत्ती जली, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ए डैश बी डैश का मान इन टर्म्स ऑफ ए बी निकाल लूं, समझ रहे भैया, देखो अगर तुम्हारे को अच्छे लेवल पर जाना है, अगर तुम्हारे को मैं सीधी सीधी बात बोलूँ कि अगर तुम्हें आई आई टी में जाना है तो चीज़ें करते सब है, लेकिन आई आई टी वाले करते ऐसा क्यों किया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, केवल आपके इंटेलिजेंट हो जाने से काम नहीं होता, आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है और प्रॉपर डायरेक्शन में चलना होता है, जिस दर जाना है उधर का रास्ता पकड़ना है, जाना आपको कहीं और रास्ता आप कहीं और का पकड़ रहे तो क्या खाक पहुँचोगे, नहीं पहुँच सकते, सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है आपकी अप्रोच, अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत सारा पढ़ो, मैं कल भी उदाहरण दे चुका हूँ, कई लोग होते हैं कि किसी के सब्जेक्ट में बहुत ज्ञानी है
लेकिन वो ज्ञान कॉपी में झलकना चाहिए ना, एग्जाम पेपर पर झलकना चाहिए। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं पीएचडी किए हुए, मोस्टली मैंने लोग देखे जो डफर होते हैं बहुत। मैं तो साफ साफ बोलूं, सरकारी नौकरी में जो कर रहे हैं भैया, बहुत सारे लोग पीएचडी किए हुए हैं, उनको बहुत ज्ञान है। मेरे पास एक महाराष्ट्र से मैडम आई, बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम 15 साल पुराना है, उन्होंने पीएचडी कर रखा है, तो केमिस्ट्री के लिए वो एलिजिबल है 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। मैंने उनको बोला डेमो के लिए, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर बोला मैंने कि आप इसका दे दो, नहीं बता पाई वही, शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग। तो क्या होता है, देखो हर बंदा अपने पर्टिकुलर टॉपिक का कमांड वाला होता है, उसको उस तो जिस टॉपिक पे पीएचडी किया होगा उसको हो सकता है उसमें बहुत ज्ञान हो। वैसे पीएचडी की थीसिस तो कैसे लिखी जाती है सब पता ही है, अधिकतर फर्जीवाड़े की होती है, इधर से उठाया उधर से उठाया। हमारा फाइनल में हमारा टॉपिक था प्रोजेक्ट का, हमको टर्बाइन की स्टडी लिखनी थी, मैकेनिकल में था मैं, तो हमको टर्बाइन की स्टडी लिखनी थी, और टर्बाइन 200 प्रकार के होते हैं कम से कम। कितने प्रकार के उस टाइम पर? 200 थे, अब तो 1000 भी होंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। मैं बोलता हूँ अब तो 2000 टाइप के भी नहीं हो तो क्या बात, आराम से होंगे। अब अलग अलग टर्बाइन की स्टडी करनी होती है आपको, मतलब कई सारे उसके पार्ट्स होते हैं, फिर उनमें कितना वाटर का फ्लो आ रहा है, कितनी स्पीड से वो घूम रहा है, उसकी ब्लेड का शेप कैसा है, ब्लेड का साइज़ कैसा है, ब्लेड कौन से मटेरियल की बनी है, उसमें पानी की बौछार की स्पीड से हो रही है, पानी कितने एंगल पर आ रहा है, कितनी हाइट से आ रहा है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। ऐसी पूरी एक थीसिस लिखनी होती है, वो प्रोजेक्ट बनाना होता है, 200 मार्क का होता फाइनल में वो। और हमारे टाइम पर वैसे भी क्या था, 3rd ईयर में कैंपस प्लेसमेंट हो जाते थे, तो कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ किसके लिए रहे भैया, नौकरी के लिए। जब वो लग गए तो क्या खाक पड़ेंगे हम, तो हवा में उड़ेंगे हम। IIT में जाने के बाद में सबसे पहले हवा में उड़ते हैं कि IIT में पहुँच गए, और फिर फाइनल ईयर में हवा में उड़ते हैं जब आपका प्लेसमेंट अच्छा हो गया। तो मुझे ध्यान है वो होली का टाइम था, वो मार्च के टाइम की बात है, वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं गए नहीं वहाँ पर। हमको जाना था कहाँ पे, भांगड़ा डैम, मतलब वो भाखला भांगड़ा बोल रहा हूँ, सॉरी भाखला डैम, सॉरी पंजाब में है वो, वहाँ हमको टर्बाइन की स्टडी करनी थी। इंदिरा डैम भी बोलते हैं उसको शायद, अगर मुझे सही पता है तो मैं गया ही नहीं, तो जो गए थे उनसे लिख के कॉपी में से टिप टाप के लिख दिया मैंने। अब उस समय गूगल भी नहीं होता था, क्या आप गूगल कर लोगे, अब तो गूगल आ गया बहुत बड़ी चीज़, तब तो शाम काम जल्दी जल्दी हो जाता है। उस समय क्या था, गूगल भी नहीं था, क्या आप इधर सकते। तो वो ऐसी थीसिस पूरी की पूरी हमने लिख के छाप दी थी, ऐसे ही होता था मोस्टली। तो पीएचडी में वैसे ही होता, तो आपने जिस टॉपिक पर करी है आपको उस पर कमांड हो गई बहुत, पर आपको जो पढ़ाना वो तो आपको आता ही नहीं, फिर क्या हो। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या होते हैं, आपको कागजी डिग्री चाहिए, कागजी डिग्री आपके पास में है कि नहीं वो बताओ आप, बाकी सब बात में। एनीवेज अभी हम यहाँ पर आ जाएं, तो मैंने ये ए डैश बी डैश की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली, ए बी के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था जब मैं अल्फ़ा निकालने जाऊँगा तो मुझे ए बी आएगा, इसीलिए मैंने उसको निकाला। बोलो अभी ए बी से ए बी क्या हो गया, कार्तिक का ध्यान दो यहाँ पर, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा, तो ये d इंटू कितना, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई, एंगुलर मैग्निफिकेशन एलसीयू से सुनाई कम पड़ता है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर साइन कन्वेंशन लगाने जा रहा हूं, क्या लगाने जा रहा हूं, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। m की वैल्यू, d क्या होगा सर, d होगा माइनस d, और ob डैश की वैल्यू डायग्राम में देखो तो ob डैश की वैल्यू आ रही है प्लस, क्योंकि पीछे है, डायग्राम चेक करो तुम्हारे कॉपी में बना हुआ है, और eb डैश और ob की वैल्यू, क्या मैं सही हूँ, चेक करो तुम्हारे सामने, d होगा माइनस d, का है सर सामने है, ob डैश क्या है, इमेज की डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से, उसको प्लस वी नॉट क्योंकि पीछे है, अरे बोलो ना रे, ई बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी रे, ई बी डैश की वैल्यू देखो डायग्राम में, देखो माइनस यू नॉट है, माइनस यू ही है, और ओ बी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू नॉट, चेक कर लो भैया, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, अगर गलत लिखा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से एक आगे क्या आ गया, तो m की वैल्यू आ गई सर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू कितना d अपॉन कितना ये। सो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर। बोलो मैग्नीफाइंग पावर यू से एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अरे कहो ना, तो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ ना एक और टर्म हम पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने वो नहीं पढ़ा था। हेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अनादर टर्म जिसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की लेंथ, या जिसे दूसरी भाषा में बोलते हैं ट्यूब की लेंथ, क्या होती है माइक्रोस्कोप की लेंथ, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव और आईपीस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोला करते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ ट्यूब। बोलो, और वो है ओ ई, और ओ ई को अगर मैं ओ बी डैश प्लस बी डैश ई लिख दूँ तो बुरा तो नहीं मान जाओगे कि बुरा लग गया तुमको, कि नहीं सर आपने कैसे लिख दिया आप बताओ हमको। वैसे तुम्हारे बुरे लगने का मेरे को कोई चिंता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा ख्याल करते हुए तुम्हारा। बोलो भाई पांडे जी, लिख सकता हूँ कि नहीं, ओ ई को मैं ओ बी डैश प्लस बी डैश ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अरे बोला यार, तो क्या होगा, इसे ओ बी डैश प्लस बी डैश की लिख सकता हूं, और ओ बी डैश की वैल्यू को अगर मैंने वी नॉट लिखा तो कोई गलत काम तो नहीं कर दिया मैंने? ओ बी डैश को मैंने वी नॉट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और बी डैश ई को यू ई, माइनस यू ई नहीं कि सामने सर माइनस लिखूं, ये लेंथ है लेंथ, तो लेंथ अपने को लेंथ लिखनी हो तो वो तो पॉजिटिव रहेगी। कहो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप से मतलब होता है भैया अनुभव सिंह, ध्यान दो, ध्यान दो, मैं अभी बहुत सारा अनुभव लेके खड़ा हूं यहां पर, ठीक है, समझो तुम। गढ़वाल साहब आप भी, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है, ऑब्जेक्टिव और आईपीएस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस वी कॉल एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ओ ई, ठीक है, और वो क्या होगी वी नॉट प्लस यू ई। ठीक भाई पत्नी दुबे, करिए डन। मैग्नीफाइंग पावर क्या आई और ये क्या आया, क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम एक बात जानते हैं लेंस के केस में, लेंस के केस में हम v अपॉन u की वैल्यू पहले से जानते हैं क्या होती है, v प्लस f अपॉन f होती है कि नहीं होती है? कहाँ पढ़ा था, लीनियर मैग्नीफिकेशन में पढ़ा था, v प्लस f था, या सॉरी हाँ तो ऐसे कर रहे जैसे क्या था, था कि नहीं था? अरे था ना, तो इस बेसिस पर मैं v नॉट अपॉन u नॉट को क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ये और इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, हाँ जी ये लिख सकता हूँ या नहीं?
तो जहाँ वी नॉट अपॉन यू नॉट है, उस वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह क्या लिखा जा सकता है? वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह क्या लिखा जा सकता है? बोलो। और अगर तुम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम ये पाओगे कि जो डी अपॉन यू है ये बिल्कुल वैसे ही फार्मूला आ गया जैसा अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में था। सुनाई नहीं दिया मुझको? डी अपॉन यू अगर देखा जाए तो ये वैसे ही, अगर यहाँ पर आई पीस को देखा जाए तो आई पीस बिल्कुल एग्जैक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम कर रही है। अर्शद ध्यान दो, यहाँ पर आई पीस जो है वो किसकी तरह काम कर रही है? कर रही है नहीं कर रही है? तो मैं वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह तो ये सब लिख सकता हूँ। हाँ जी, वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हो आप। हाँ जी, और इसी तरीके से डी अपॉन यू ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था वी ई प्लस एफ ई, उससे पहले अभी एक मिनट, यहाँ से एक मिनट सुनना, इससे मैं वी नॉट की वैल्यू निकालूँ तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? वी नॉट की वैल्यू एफ नॉट माइनस वी नॉट इंटू कितना यू नॉट अपॉन एफ नॉट, या फिर एफ नॉट यू नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है कि नहीं? ये लिखा जा सकता है। कहो, ये वी नॉट की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही मैं डी अपॉन यू ई को क्या लिख सकता हूँ? डी इंटू कितना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? डी अपॉन यू ई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सुनाई नहीं दिया मुझको? और साथ ही में इससे एक और चीज़ भी लिखी जा सकती है क्या? ये तो लिख ही सकते हो, और साथ ही में तुम क्या लिख सकते हो? यू ई की वैल्यू, यू ई की वैल्यू क्या आई? एक्चुअली यू ई की वैल्यू ही आई थी। अभी जो थोड़ी देर पहले अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था तो यू की वैल्यू आई थी वी इंटू एफ अपॉन वी प्लस एफ, ठीक ही नहीं थी? वही वैल्यू मैंने वहां रखी है तो ये पिक्चर आई। शशांक बोलिए। तो ये यू ई की वैल्यू आई, ये डी अपॉन यू ई की वैल्यू आई। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला तुम्हारे समक्ष आया था वो क्या आया था? माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई, और डी अपॉन यू ई को क्या लिख सकता हूँ मैं? वी प्लस एफ ई अपॉन क्या? और चाहूँ तो वी नॉट अपॉन यू नॉट को मैं इनसे रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो जरा, ढेर सारे फार्मूले बन रहे हैं तुम्हारे पास, क्योंकि जब प्रॉब्लम तुमको आएगी, जब क्वेश्चन तुमको देंगे तो मोस्टली वो क्वेश्चंस में क्या देते हैं? मोस्टली ध्यान देना, मोस्टली क्वेश्चन में तुमको वो देते हैं ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, आईपीएस की फोकल लेंथ, और साथ ही में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव से। ये तीन पैरामीटर्स वो देते हैं। सो यू विल प्रेफर दोज फार्मूले विच आर इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स। क्या कहा मैंने, समझ में आ रही है मेरी बात? आपको जब न्यूमेरिकल आएगा तो मोस्टली वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे देते हैं, आईपीएस की फोकल लेंथ दे देते हैं, क्या देते हैं किसकी? एफ ओ एफ ई, और बता देंगे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से इतनी दूरी पर रखा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो तुम्हारे को वैसे फार्मूला होना चाहिए जो उन तीन के टर्म्स पर तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, वरना फार्मूला तो तुम्हारा यहां आ चुका, ये हो गया खेल खत्म, बस आ गया आंसर। अब मैं करने बैठ जाता हूँ क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस जब मैं करने जाऊँगा तो मुझे मालूम पड़ेगा मेरे को यू नॉट दे रखा है, मेरे को एफ नॉट दे रखा है। अब यू नॉट दे रखा है, एफ नॉट दे रखा है, तो यू नॉट और एफ नॉट का यूज करके, लेंस इक्वेशन का यूज करके मैं वी नॉट निकालूंगा, फिर वो वी नॉट यहाँ रखूंगा, फिर वो यू नॉट रखूंगा। बोलो।
फिर तुमको इमेज दे रखी होगी कि इमेज ब्लांट डिस्टेंस में बनती है, तो तुमको वी दे रखा है, तुमको एफ ई दे रखा है, तो तुम फिर यू ही निकालोगे। तुम ये दो अननोन होंगे जो तुमको निकालना पड़ेंगे। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हम यहाँ पर वो काम करें जिससे हमारा टाइम बच जाए, कम लगे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फंडामेंटल्स क्लियर हो, तो आपका टाइम कम पड़ेगा। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है, टाइम में हो जाता है, पक्की बात है। पर आपको वो करेक्ट अप्रोच आना चाहिए, वरना आप किसी ऐसे रास्ते से निकल जाओ, मालूम पड़ता है फिर यू टर्न लेके वापस से आओ, वो वाली गाड़ी वहाँ अटकती है। मैं वापस से आ रहा हूँ। तो अब हमारे पास में क्या है, अब देखो वी तुमको दे रखा होगा प्रॉब्लम में, साथ में तुमको ये दे रखा होता है, वी दे रखा होता है, ये चार चीज़ें दे रखी होती है कि इमेज लीज डिस्टेंस पर बन रही है, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह से तुम्हें देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुम्हें ये दे रखा होगा। तो अब तुम्हारे पास में गाड़ी क्या है, अब इससे तुम्हारे पास वी एफ ई है, बोलो। और वी नॉट अपॉन यू नॉट को भी तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो, इनसे या इससे? और सबसे अच्छा कौन सा रहेगा कि कौन से रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो? पहले वाले से, बोलो। ये क्या करो, यहां पर एफ नॉट अपॉन क्या, वी नॉट अपॉन यू नॉट की वैल्यू कितनी, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट, बोलो, इंटू डी। और ये कितना, सो दिस वुड बी द आइडियल फार्मूला। एज सच फार्मूले हमारे पास में और भी हैं, बट आई रिकमेंड कि ये फार्मूला हमारे को याद रहे, क्योंकि ये फार्मूला मोस्ट यूजेबल रहेगा इसमें। क्योंकि देखो तुम जो पैरामीटर्स तुमको दे रखे होते हैं, वही आंसर क्या दे रखा है तुमको, एफ नॉट एफ ई यू नॉट और वी, इस पर रख दो के काम जल्दी हो जाएगा। कहो मोस्टली yes, क्योंकि क्वेश्चन में यही पैरामीटर्स दे रखे होते हैं से। और रही बात एक और, कौन सी, लेंथ की, तो लेंथ क्या है, वी नॉट, लेंथ का फार्मूला क्या है, वी नॉट प्लस वी नॉट प्लस, और वी नॉट की वैल्यू कितनी, वी नॉट की वैल्यू कितनी, एफ नॉट यू नॉट अपॉन क्या, प्लस प्लस यूई, और यूई की वैल्यू कितनी, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो करना मत अगर समझ में नहीं आया, और समझ में तभी आएगा जब तुम पूरे मस्तिष्क पूरे दिमाग पूरे खोपड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर करो। ओए सर मेरे को ये चार पैरामीटर दे रखे हैं, और मेरे को इन चार पैरामीटर के टर्म्स में मैं फार्मूला डिराइव कर लूँगा तो अच्छा है, वरना तो मैं 10 फार्मूले लिख दूंगा यहाँ पर, वरना तो मैं यहाँ पर 10 फार्मूले लिख दूंगा। मेरे को ये चार पैरामीटर्स दे रखे होंगे प्रश्न में, आप देखोगे आपको एफ ओ दे रखा होगा, आपको एफ ई दे रखा होगा, आपको यू नॉट ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है वो दे रखा होगा, और मैं ये नहीं बोल रहा कि यही दे रखे होंगे प्रश्न, कई तरीके से कॉन्फिगर किया जा सकता है, बट मोस्टली ये होते, तो मोस्ट वाला बता रहा हूँ मैं तुमको, वरना फार्मूला तो यहाँ आ चुका था अपने पास में। और वी अपॉन यू का फार्मूला सर हम पहले डिराइव कर चुके हैं, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, एफ माइनस वी अपॉन एफ, कि एफ माइनस वी था या वी माइनस एफ था, एफ माइनस वी था, चलो ये आ गया, हाँ जी ठीक है। तो इससे ये कैसे करा मैंने, ये हमने जो लीनियर मैग्निफिकेशन का टाइम पे फार्मूला डिराइव करा था उसी से। तो वी अभी ऑब्जेक्टिव के लिए वी वी नॉट है, यू यू नॉट है, उससे ही आया, तो उससे वी नॉट की वैल्यू आ गई। और फिर डी अपॉन यू ही, ये वाला फार्मूला कुछ वैसा ही है जैसा अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में था, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस कुछ वैसा ही काम कर रही है जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में करता था। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच रखते थे, वो स्केल लार्ज इरेक्ट इमेज लेंस के सामने बनाता है, अरे बोलो। तो वही किया ना मैंने भैया, यू ही की वैल्यू ये थी वो रख दी थी, तो यह आ गया, आ गया। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया, और ये किसका, लेंथ क्या थी, वी नॉट वो ये है, प्लस यू ई, और यू ई ये है, बोलो। समझ गए, नोट इट डाउन।
इमेज कहाँ बने? लीज डिस्टेंस पर. व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीज डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन. बोलो तो वी की वैल्यू डी के बराबर होगी. तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू कितना डी. और वी की जगह क्या लिखोगे? डी लिखोगे तो डी प्लस एफ ई अपॉन क्या? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? डी से डी क्या हो जाएगा? तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू कितना? डी से डी कैंसल और फिर सेपरेट कर लोगे पिछली बार जैसे ही, तो वो कितना आ जाएगा? डी से डी कैंसल, डी अपॉन एफ ई से. सही करा मैंने? आप देखो ना भाई, इसमें सिंपल सी बात है, जो आईपीस है वो सब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही है. तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में इमेज क्या बनती, इमेज जब लीज डिस्टेंस पर बनती थी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या थी? वन प्लस डी बाई एफ थी कि नहीं थी? मैक्सिमम थी. सुनाई नहीं दिया मेरे को? और चाहो तो इसमें वी नॉट अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम? एफ नॉट यू नॉट. क्या लिख सकते हो इसकी जगह? लिख सकते हो कि नहीं? सुनाई नहीं दिया मेरे को? ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई. और लेंथ क्या है? वी ओ प्लस यू ई. और यू ई की वैल्यू कितनी है? तो ये तुम्हारे पास में मैग्नीफाइंग पावर है और ये तुम्हारे पास में लेंथ है. और फिर चाहो तो वी नॉट को वापस से वो लिख सकते हो क्या? एफ नॉट यू नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट. सुनाई कम पड़ता है मेरे को यार? बोलोगे तो सुनाई देगा, वरना कैसे सुनाई देगा? ठीक है भैया, पहली बात. ठीक है भाई युवराज जी, आप क्या करो, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है मेरे को थोड़ी ना मालूम है. कितनी गालियाँ बक रहे हो तुम मेरे को? बको, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. अगर इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पर. हाँ मेरे, इमेज इन्फिनिटी पर बने. अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो क्या होगा? कहो. yes, sir. सर इमेज इन्फिनिटी पर तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को लीज डिस्टेंस पे रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है. बोलो ना. तो क्या होगा? m की वैल्यू v नॉट माइनस v नॉट अपॉन u नॉट इंटू कितना हो जाएगा? सो दिस वुड बी नथिंग बट मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर. और फिर वही किसी पर किसी बात होगी कि v नॉट अपॉन u नॉट की जगह में f नॉट अपॉन f नॉट प्लस u नॉट लिख सकता हूँ. बोलो. yes, sir. क्या बात ऋषभ राय, तुमने इस बार बोला कि हाँ मेरे मन में जो चल रहा है वो चल रहा होगा, पर फिर भी मैं आपको इस बात का आभास दिलाऊंगा कि मैं बोलूंगा. ठीक है? अरे ठीक है, कर लो. ये जब इन्फिनिटी पर इमेज बने तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला एक और बता रहा हूँ. जब इन्फिनिटी पर इमेज बने तो मैग्नीफाइंग पावर का एक और फार्मूला तुम लोग लिख लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है. एल माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई अपॉन मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमारे पास में ये एक और आ रहा है. ये कब? जब इमेज कहाँ बन रही हो? रिलैक्स डाई कंडीशन हो. तो एल माइक्रोस्कोप की लेंथ है. एल क्या है माइक्रोस्कोप की? एफ ओ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, एफ ई आईपीस की, और कैपिटल डी वही लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है,
एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस बात को, जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तुम्हें पढ़ाया था या उससे पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है या लीनियर मैग्नीफिकेशन, वो क्या होता है, जितने भी लेंस हैं उनके मैग्नीफाइंग पावर का मल्टीप्लीकेशन होती है, याद है आपको? जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है, सारे इंडिविजुअल, जैसे यहाँ तो दो ही लेंस है, ऐसे 50 लेंस भी हो तो 50 लेंस भी होंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, सबके इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन को क्या कर दोगे तुम, मल्टीप्लाई, बोलो ना। जो मैग्नीफिकेशन होगा वो सबके इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन का क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, कहो। समझ में आया कुछ सार्थक? तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, मतलब ये जनरलाइज फार्मूला है, दिस वन इज जनरलाइज फार्मूला से। फटाफट से मॉड्यूल के 3 नंबर फॉलो करो जल्दी। दिल कहता है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की और आईपीस की दे रखी है तुम्हारे को, ये क्या है एफ नॉट, ये क्या है एफ ई, और मैग्नीफिकेशन कितना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फाइनाइट में इमेज है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पूछा है ना मुझसे, तो क्या करूँगा मैं, एम की वैल्यू, फार्मूला क्या है तुम्हारे पास, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट इंटू कितना, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 30। एक्चुअली इसको -30 करना चाहिए क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी है, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, एफ नॉट कितना है, इंटू डी 25, और ये कितना, सॉल्व करो कितना आ रहा बताओ, कैलकुलेशन करो फटाफट से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 5 से गया कितनी बार, 5 बार, और अगली बार इस 5 से ये कितनी बार गया, 6 बार, माइनस माइनस भी क्या हो गया आपस में, कैंसल हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यू नॉट की वैल्यू कितनी, 1.25 माइनस 1.25 बाय 6, 5/6 हो जाएगा उसका, नहीं आ रहा क्या, एडिशन से आ रहा है, फाइव बाय सिक्स टाइम्स हो रहा है, उल्टा कम हो रहा है, इसमें से उधर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, पर उससे प्लस करके आंसर आएगा, वो आएगा प्लस करके, यार मुझे जब मैंने लिखा तभी मुझे खुटके हो गए थोड़े से, वो माइनस एक्चुअली में यहाँ पर ये आएगी बात, कारण बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ बात ये आएगी कि ये जो है एफ नॉट प्लस यू नॉट होता है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत क्या आएगी मालूम है, ऑब्जेक्ट चूंकि कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट चूंकि कहाँ रखा हुआ है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए,
माइनस लगाना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेंस के सामने रखा हुआ है। कर लिया, तो ये करेक्शन करो यार। अभी यहाँ पर भी जैसे अपन क्या करेंगे, इसको माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं उस प्रश्न पर वापस से। तो यहाँ एक्चुअली इसको क्या करोगे, माइनस माइनस पर अगर वैसा भी किया, कहाँ आ रहा है लड़की, नेगेटिव वो उससे कम आ रहा है, 1.25 इंटू 5/6 आ रहा है, इंटू 7/6 होना चाहिए तब जाकर वो आएगा। हाँ जी, अभी भी वही दिक्कत आ रही है। हाँ, और प्लस करके रात अकेली है। अरे अगर मैं दोनों को, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ 1.25 और प्लस 1.25/6, तो आंसर आ रहा है, तो आ रहा आंसर। कहीं कुछ गलती हो रही है मेरे से माइनस प्लस की। कहीं कुछ माइनस प्लस की गलती हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, करते हैं करते हैं। समस्या है तो समस्या का हल भी होगा। देखो मेरी बात सुनो, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या आया था, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू कितना। अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन जरा फटाफट सुनना भैया, 1/v - 1/u = 1/f। और ये इमेज जो बनाता है आईपीएस, वो पीछे बनाता है इसलिए प्लस, ऑब्जेक्ट सामने इसलिए क्या। बोलो ठीक है, तो 1/v0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f0। यस यस यस, 1/u0। और यहाँ से 1/v0 की वैल्यू कितनी आ गई, u0 - f0। ये आई, अरे आई कि नहीं आई, इसको अपन यहाँ ले गए, तो इससे u0 / v0 की वैल्यू कितनी आ गई, u0 - f0 / क्या। तो इससे v0 / u0 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, f0 / क्या, ये आएगी। बोलो ना, इससे इसकी वैल्यू ये आएगी। अब ये वैल्यू रखेंगे, अब आंसर होगा। वो गलती हुई है, वो मैंने बोला तुम्हारे को, जब वो माइनस प्लस की गलती होती है कुछ होता तो वो कहीं ना कहीं वो छठी इंद्री काम करने लगती है कि यार कुछ गलत हुआ आपने से। तो v0 / u0 की वैल्यू क्या होगी, f0 / u0 - f0। फटाफट से लिखो जरा जल्दी से इसको। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में v0 / u0 था उसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, और वो भी अपन अगर v की टर्म्स वाला भी देख ले, अगर किसके टर्म्स वाला देखें, v की टर्म्स वाला, तो v का इसमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करो एक बार, u नॉट के टर्म्स में, तो ये वाला हो गया। और अगर मैं किसके टर्म्स में निकालना चाहूँ, v नॉट के टर्म्स में, तो इस पूरे को एक काम करो, v नॉट से मल्टीप्लाई करो। जब इसको v नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो v0 / v0 कितना हो जाएगा, और v0 / f0 = क्या हो जाएगा, शिट, v0 / u0 = कितना होगा,
तो यहाँ से V नॉट अपॉन U नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, LCM वगैरह लेकर करोगे तो V नॉट माइनस F नॉट अपॉन क्या, सो वेयर एवर देर वॉज V नॉट अपॉन U नॉट, V नॉट अपॉन U नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, कहो ना यार कृष्णम, नहीं आया समझ में, V नॉट को, और अच्छा ये आ गया, इस बेसिस पर तुम एक और बात बोल सकते हो कि V नॉट को क्या लिख सकते हो तुम, U नॉट F नॉट अपॉन क्या, लिख सकते हो, जी डन भैया, तो जो तुमने अभी फार्मूला डिराइव किए थे उसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन फिर से करना पड़ेगा, यहाँ अपन क्या लिखेंगे, एफ नॉट माइनस यू नॉट की यू नॉट माइनस एफ नॉट, क्या लिखोगे इसको बोलना मेरे को, क्या बोला मैंने, एफ नॉट अपॉन क्या, तो इस वाले को प्लस करोगे और इस वाले को क्या माइनस, मैंने सोचा था इस बार थोड़ा सा जल्दी कर दूं, पर जल्दबाजी का नतीजा जो है वो ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ों में वक्त तो लगता है, जल्दबाजी कर दो तो नुकसान हो जाता है, फिर ऐसे ही टाइम बचाना जाओ तो कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, खैर कहावत जल्दबाजी का काम शैतान का, चलो डन, डन भैया, अभी यहां पर इसको क्या कर दोगे प्लस और इसको क्या, अब तुम आंसर निकाल सकते हो, आराम से निकाल के देखो क्या होगा, यू नॉट माइनस कितना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1.25 अपॉन 6, तो यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आराम से करके देखिए, अभी आंसर सही हो जाएगा, आंसर इसलिए गलत था क्योंकि हम फंडामेंट का फार्मूला ही गलत लगा रहे थे, डन बोलिए,